मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेम पार्ट व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। इन एफआई बीकॉम वी स्टार्टेड मैथ्स एंड योर चैप्टर नंबर 1 सेज एंड म्यूचुअल फंड। इन दैट we already started first part, the investment in the stock market by purchasing or selling shares. Okay, तो ये हमने क्या किया बेटा, ये already हमने दो lecture में discuss किया है। Because of any reason, if it was not attended last two lectures, so don't worry. अगर आपने lectures attend नहीं किए हैं ना, तो don't worry, आप हमारे last दो lectures के videos already हमारे channel पे uploaded है। You can revise your missing part, and if you have any doubts and difficulties, you can contact us. Okay? So, at present, as per the our question notes, I'm going to discuss question number 10. I hope ke almost you have question notes. अगर नहीं है बेटा, तो जितना हो सकता है उतना फास्ट आप ऑफिस में आके नोट्स को कलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। गिन्नी गोट 400 शेयर्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ₹180 पर से। द टोटल अमाउंट सी हैड टू पे ₹72,360। फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज। अगेन इन दिस क्वेश्चन गिन्नी गोट 400 शेयर्स, नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टॉक्स ये 400, मार्केट प्राइस ऑफ व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। एंड आपके क्वेश्चन में टोटल अमाउंट भी आपको दिया हुआ है, आपको उसी ये सब काउंटिंग करने के लिए आपको कैलकुलेटर का जरूरत होगा। ओके, सो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बेटा कि आप जब भी लेक्चर में बैठो कैलसी आपके साथ होना चाहिए। ओके, गिनी गोट 400 सेल्स, मार्केट प्राइस ₹180, टोटल अमाउंट 72,360, फाइंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज। सी, हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया था कि जब भी आप सेल्स बाय करते हो या सेल करते हो तो आपके पास दो प्राइस होता है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू सिर्फ डिविडेंड के लिए हेल्प करेगा आपको, मार्केट वैल्यू आप परचेस करेंगे या आप सेल करेंगे, दोनों टाइम आपको क्या पे करना है, ब्रोकरेज। इज दिस कंपल्सरी एज पर द क्वेश्चन, इफ दे वॉन्ट के ब्रोकरेज पे हुआ है तो कंपल्सरी। ओके, सो दिस इज द बेसिक पार्ट व्हाट वी रिक्वायर, एंड इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव रेट ऑफ ब्रोकरेज। सो लेट अज्यूम करना है रेट ऑफ ब्रोकरेज इज, वी डोंट हैव ब्रोकरेज रेट, तो हमने ब्रोकरेज का रेट क्या अज्यूम कर लिया, x%। सो देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन वन से ऑलरेडी ₹180 प्राइस था, उसका x%, x आपके कैलसी में होता नहीं आपको भी पता है, सो इट कम्स टू ₹1.8x। ना ये ब्रोकरेज फाइंड हो गया बेटा, उसके हेल्प से आप लेके आएंगे यहां पे परचेज प्राइस, जो मार्केट प्राइस था 180 प्लस 1.8x, ये क्या करना है आपको, एड करना है। एड यानी यहां वेरिएबल है ना एक्स, तो अभी एड नहीं होगा, बट प्रैक्टिकली हमने पे किया है, मार्केट प्राइस भी पे किया, उसके साथ हमने क्या पे किया, ब्रोकरेज। सो दिस इज अवर परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर एज पर द क्वेश्चन। टोटल
परचेज प्राइस इज रुपीज, क्या है परचेज प्राइस? 72,360 इट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन. मतलब ये इंफॉर्मेशन पार्ट था कि आपका टोटल, सी मैंने स्टार्टिंग से डिस्कस किया बेटा, आई डोंट नो के आप एसपी स्टूडेंट हो के मैथ स्टूडेंट हो, आपको भी वो फीलिंग फ्री कर देना है. डोंट वरी यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड और एसपी बैकग्राउंड, बिकॉज यहां हम एक सिंपल लॉजिक को अप्लाई कर रहे. जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, मैं ऑलवेज डिस्कस करता हूं कि जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो मैं थोड़ी कोई फॉर्मुला बाय करके जाता हूं. सेम लाइक दैट हियर, मेरा अगर क्वेश्चन वाइज टोटल परचेज प्राइस कैसे आएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंटू परचेज प्राइस ऑफ वन सेल. एक से कॉमन फंड है ना बेटा, कि जब मैं कुछ परचेज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, परचेज जब मैं कर रहा हूं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स थे, तो क्वेश्चन में दिया है 400 इंटू वॉट इज द परचेज प्राइस ऑफ वन शेयर. परचेज प्राइस ये रहा आपका 180 प्लस 1.8x एंड टोटल परचेज प्राइस इज ऑलरेडी गिवन 72,360. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ अल्जीब्रिक मेथड 72,360 को ये अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा. इसको आप डिवाइड करेंगे 72,360 डिवाइड बाय 400 180.9 प्लस 1.8x 180.9 माइनस में शिफ्ट होगा 1.8 0.9 लेस करेंगे आप, ये 1.8 ऑलरेडी आपके मल्टीप्लीकेशन में था. सो 0.9 डिवाइड बाय 1.8 इट कम्स टू एक्स, एक्स कम्स टू 0.5. तो आपने एक्स क्या अज्यूम किया था बेटा, वी अज्यूम एक्स एज अ रेट ऑफ ब्रोकरेज. सो देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.5%. दूसरा एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा क्या पता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही चीज है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स का कोई कंपल्सन नहीं है. मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स को अप्लाई किया है. व्हाई? बिकॉज आई वांट्स टू एक्सप्लेन स्मॉलेस्ट थिंग. बट इफ यू फील के सर मैं 2-3 स्टेप कट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं, यू कैन, डोंट वरी. अगर आपको लगता है कि मैं और नंबर ऑफ स्टेप्स एड कर दू, देन ऑल्सो डोंट वरी, आप एड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हियर सी फंडामेंटल एक बेसिक को लेकर चलिए बेटा, एकदम सिंपल कॉमन सेंस है कि जब मैं कोई भी चीज बाई या सेल करता हूं तो कैसे अप्लाई करता हूं, लाइक दैट. हाउ मेनी सेल्स वी हैव 400, व्हाट इज द मार्केट प्राइस 180, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रोकरेज एक्स परसेंट, व्हाट इज द ब्रोकरेज 180 इंटू एक्स परसेंट का काउंट कर दिया 1.8x. जब मैं बाई करने जाऊंगा तो 180 मार्केट प्राइस में मैं उसका ब्रोकरेज एड भी करूंगा, बट बिकॉज ऑफ एक्स ये दोनों एड नहीं होगा, ये सेम रहेगा. इतना ऑलरेडी दिखा ना, सी हेड टू पे 72,360 इतना तो ऑलरेडी पे करना है. एंड दिस इज योर आंसर अल्जेब्रिक. दूसरा, यू जस्ट राइट डाउन दिस इफ यू फील कि सर ये अभी कॉपी नहीं करना है, सो डोंट वरी, इंस्टेंट कॉपी नहीं करना है ना, तो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ये सब चीज में आप लोग एक्सपर्ट होते हो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप लिख सकते हो. और एक चीज, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपके कंफ्यूजन के लिए लिसन, आपके राइट कॉर्नर पे स्क्रीन पे चैट बॉक्स होगा, ओके. अगर आपके
एक मिनट बेटा, ओके, अगर आपके चेक बॉक्स में से आप मैसेज भी करेंगे ना बेटा, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टूड। ओके ओके, जस्ट वन मिनट, चलो, ओके, अंडरस्टूड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस यू कैन फाइंड बाइंग, सेलिंग एंड ब्रोकरेज रेट। ओके चलिए, फाइन। नाउ Now one more question, question number 12. Question number 12. Luna sold some, यहां पे सेलिंग वाला कंसेप्ट है। Luna sold some shares at a market price of rupees 300 and the rate is 0.1% brokerage. See God, क्योंकि जब आप सेल करते हो ना तो अमाउंट आप रिसीव करते हो। सो गोट रुपीज 1,13,886, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स सी सोल्ड। मतलब यहां पे कंसेप्ट ये है कि कितना स्टॉक सेल किया ना वही नहीं पता। देखो बहुत ही सिंपल वे से जाएंगे। लूना, क्वेश्चन नंबर 12 है, लूना सोल्ड सम सेल्स, सो लेट नंबर ऑफ How many sales he sold X? Market price of, what is the market price of one sale? 300 rupees. And rate of brokerage, rate of 0.1%. सो मार्केट प्राइस 300 है, रेट ऑफ ब्रोकरेज है इट्स 0.1%। सो ब्रोकरेज ऑन, ऑलरेडी प्राइस कितना था बेटा 300, इसका 0.1%। सी इट कम्स टू रुपीज 300 इंटू 0.1%, मतलब कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि 300 रुपीज प्राइस है, 0.1% ब्रोकरेज। ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर, ऑलरेडी प्राइस कितना था 300, ब्रोकरेज कितना है 0.3, ये क्या करना है आपको, लेस करना है। क्यों? अरे इट्स अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बेटा, जब मैं कुछ बाय करता हूं तो मेरे अमाउंट में ब्रोकरेज मुझे ऐड करना है, जब मैं कुछ सेल करता हूं तो मेरे अमाउंट में से वो ब्रोकरेज वाला पार्ट लेस होके आएगा 299.7। ओके, तो याद रखना है परचेज ऐड होगा ब्रोकरेज, सेल करेंगे ब्रोकरेज लेस होगा, परचेज में ब्रोकरेज ऐड करना है, सेल करेंगे ब्रोकरेज लेस होगा। ओके, ये ब्रोकरेज हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सो एज पर द क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया, रिसीव किया ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना अमाउंट 1,13,886। See, we are not following any formatted part. Simple logic से जाना है। ये उसको amount receive हो गया, तो इसे आएगा ना बेटा, देखो total
सेलिंग प्राइस। सिंपल बात है, मैं जब कुछ सेल करूंगा तो मेरे पॉकेट में सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो यहां पे ऐसा आएगा नंबर ऑफ इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस? 1,13,886। नंबर ऑफ सेल्स स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया x, सेलिंग प्राइस ऑफ वन से इस पर द क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ वन से 299.7, 1,13,886, 299.7 इसको डिवाइड करना बेटा। नेक्स्ट टाइम से आप भी बेटा केलसी लेकर आइए, आपके पास केलसी होगा तो आपको काउंट करने में इजी होगा। x कम्स टू 380 एंड अगर मेरा x 380 है तो ये x रुपीज नहीं है, x क्वांटिटी है। देखो आपके क्वेश्चन में सो नंबर ऑफ सेल्स, ये क्वेश्चन का भी रिक्वायरमेंट है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स। सो देयरफॉर नंबर ऑफ Therefore, 380 sales. How many sales are sold? 380. कितने sales sold किए बेटा तो 380. Okay? तो आपके question का ये requirement था, कितना selling हुआ? X quantity. Market price, brokerage, उसका brokerage 0.3 rupees. आपके सेलिंग प्राइस में ब्रोकरेज अमाउंट ऐड कर दो, परचेज में, सॉरी परचेज में ऐड होता है, सेलिंग प्राइस में लेस होता है। हाउ मच अमाउंट वी रिसीव्ड? 113.886, 1,13,000 ये आपने काउंट किया, x कम्स टू 380। ओके सो एज यूजुअल कॉपी कर लो बेटा। ओके और मैंने आपको तभी भी एडवाइस बोला था, अभी भी अगर कॉपी नहीं करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन चैट विद अस, यू कैन आस्क विद अस, यू कैन कॉन्टेक्ट आफ्टर लेक्चर ऑल्सो। सो डोंट वरी कि कंफ्यूजन वाला पार्ट कोई भी रहेगा, यू फील लाइक दैट कि यू आर इन ऑफलाइन लेक्चर। ओके सो डोंट वरी। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और वीडियो पॉज करके भी आपको कॉपी करना है ना, जब आपको लेक्चर के बाद वीडियो सेंड हो जाएगा आपके नंबर पे तब आप वीडियो पॉज करके भी ये सम कॉपी कर सकते हो। ओके ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। बहुत ही सिंपल है, जो हम शॉपिंग करते हैं ना, बाइंग एंड सेलिंग, बस वही कंसेप्ट को फॉलो किया यहां पे। बाय करना है सेल करना है, बाय करना है सेल करना है, दैट्स इट। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 13, इन दिस क्वेश्चन नंबर 13 दिस इज द इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन नंबर 13 में दोनों ट्रांजेक्शन है बेटा, बाय करेंगे सेल करेंगे। ओके बाय भी करना है सेल भी करना है। ओके लिली परचेज, सी द क्वेश्चन, लिली परचेज 560 सेल्स ऑफ मार्केट प्राइस रुपीज 380, आफ्टरवर्ड सोल्ड विद द मार्केट प्राइस ऑफ 450, सी हैड टू पे 0.2% ब्रोकरेज फॉर बोथ द डील्स। मतलब लिली ने क्या किया, पहले परचेज किया, परचेज करने के बाद सेल कर दिया, दोनों टाइम ब्रोकरेज पे किया है, परचेज का भी ब्रोकरेज सेल का भी ब्रोकरेज। सो वी हैव टू ट्रांजेक्शंस हियर, परचेज एज वेल एज सेल। ओके सो फाइंड द परचेज एंड सेल अमाउंट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट सी गेन। सिंपल लॉजिक है, देखो यहां पे लिली परचेज, पहले तो नंबर ऑफ
What are the number of shares? 560. Okay. पहले purchase करना है. Simple. Four purchases. अभी जो मैं सम सॉल्व कर रहा ना, स्टार्टिंग के सम से ना सिंपल बेसिक थे, जिसमें हमने परचेज और सेल करना लर्न किया. यहां से अभी हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला. तो पहले परचेजेस लेंगे. मार्केट प्राइस ऑफ वन से मार्केट प्राइस कितना है? सो लिली परचेज 568 रुपीज, 380. ओके. एंड ब्रोकरेज है 0.2. देखो मार्केट प्राइस जब आप बाय करने गए कितना प्राइस था? 380. ब्रोकरेज ऑन, व्हाट इज द ब्रोकरेज? 380 इंटू 0.2 एज पर द रेट ऑफ ब्रोकरेज आपके क्वेश्चन में दिया है. 380 इंटू 0.2% रुपीज 0.76. सो देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ, आपको मैंने बिगिनिंग से डिस्कस किया है, जो वेरी फर्स्ट दिया होता है वो मार्केट प्राइस है. मार्केट प्राइस से मैं बाई या से मार्केट प्राइस मुझे दिख रहा है, उसके बाद मुझे क्या करना है? ब्रोकरेज पे करना है. ब्रोकरेज पे करने के बाद जनरेट होगा आपका परचेज प्राइस. परचेज प्राइस इज 380 प्लस, ओके, सो इट कम्स टू रुपीज 380.76. ओके, अभी ये अमाउंट आ गया. नेक्स्ट पार्ट, मेरे पास क्वांटिटी भी है प्राइस भी है, सो वी कैन फाइंड टोटल परचेज प्राइस. हाउ मच इज द टोटल परचेज प्राइस? इट्स अ वेरी सिंपल. टोटल परचेज प्राइस कैसे आएगा? नंबर ऑफ सेल्स को परचेज प्राइस ऑफ वन से. व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स? 560. परचेज प्राइस 380.76 इंटू 1,68,425.6. इतना हमारा क्या हो गया बेटा? टोटल परचेज प्राइस. इतना अमाउंट हमने पे किया है. सिंपल लॉजिक है, आपके क्वेश्चन में 560 क्वांटिटी था, प्राइस है 380 रुपीज, 0.2% आपका ब्रोकरेज है, तो दिस इज योर टोटल परचेज प्राइस. ये परचेजेस था. अब मुझे सेल करना है. जब हम सेल करने गए मार्केट प्राइस ऑफ वन से, मार्केट प्राइस कितना था? 450. ओके. ब्रोकरेज ऑन 450 का 0.2%, 0.9 आपका. अब ये सेलिंग आएगा बेटा 450 इंटू 0.9%, सॉरी सॉरी 450 इंटू 0.2%. ओके राइट है बेटा, 0.9. तो ये मेरा ब्रोकरेज था. सेलिंग प्राइस ऑफ 450 माइनस 0.9 रुपीज 449.1. देखो वो तो हमने बिगिनिंग में भी डिस्कस किया, जब मैं परचेज कर रहा हूं तो ब्रोकरेज एड होगा, जब मैं सेल कर रहा हूं तो ब्रोकरेज लेस हो जाएगा. एंड टोटल सेलिंग प्राइस सेम एज नंबर ऑफ सेल्स इनटू
सेलिंग प्राइस ऑफ वन सेल, हाउ मेनी सेल्स वी हैव टोटल सेलिंग प्राइस, ओके नंबर ऑफ सेल्स आपका फिक्स्ड है 560, सेलिंग प्राइस 449.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ₹2,51,496. तो आपके क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट था, परचेस प्राइस फाइंड कर लो, सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो, उसके बाद आपको क्या लेके आना है, प्रॉफिट। सिंपल बात है ना बेटा, देखो क्या किया, फॉर्मेट आप चेक कर लो, जैसे परचेज हो रहा है वैसे ही सेल हो रहा है सेम, बट परचेज में ब्रोकरेज एड करना है, सेलिंग में ब्रोकरेज लेस करना है। नेक्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे फाइंड होगा, तो बट नेचुरल है, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल परचेज प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 251,496, व्हाट इज द परचेज प्राइस 168,425.6, इसको लेस करेंगे हम, दिस इज द क्वेश्चन, इन दिस वी हैव ऑल थ्री ट्रांजेक्शंस, ऑल थ्री परचेज भी, ये उल्टा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया बेटा, तीनों ट्रांजेक्शन, परचेज कर लिया, सेल कर लिया, परचेज और सेल करने के बाद डिपेंड, परचेज अमाउंट से अगर मेरा सेल्स अमाउंट ग्रेटर है तो बट नेचुरल है मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, परचेज सेल्स प्रॉफिट, परचेज सेल्स लॉस भी हो सकता है बट डिपेंड, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इन दिस वी हैव, मैंने बताया ना आपको तीनों ट्रांजेक्शन आ गए, ओके सो सेम इज राइट डाउन दिस, ओके आइदर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क बेटा। वन मिनट एक करेक्शन पूछे देख लेते, एक मिनट, एक स्मॉल करेक्शन है, बेटर रहेगा आप भी बेटा कैलकुलेट करते रहो, ओके थैंक यू करण, हाँ थैंक यू बेटा, चलो कॉपी कर लो बेटा ये, so these are the questions which are related with purchase and sales, from next time, from next lecture we'll start with dividend, the most important concept of the investment in the stock market is dividend also, so don't worry, from next lecture I'm going to discuss on dividend, okay, so thank you very much for your cooperation, Stan, and stay connected with us, koi bhi doubts hai aap humko contact kar sakte hain, ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, ओके बाय बाय एवरीवन, गुड बाय।